हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कर्ड फिश। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कर्ड फिश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 500 ग्राम हमूर फिश, जिसे इंग्लिश में ब्राउन स्पॉटेड रीफ कॉड कहते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस की कोई भी फिश ले सकते हैं, बड़ी फिश। और इसे मैंने नमक एज पर टेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लगा के मैरिनेट कर लिया है अराउंड 15 मिनट तक। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एक मिक्सी में हम लेंगे दो प्याज मीडियम साइज के, रफली चॉप। इसमें मैं ऐड करूँगी दो चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही मैं ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। एक चम्मच ऐड करेंगे पॉपी सीड्स यानी खसखस। इसे ग्राइंड करने के लिए इसमें ऐड करेंगे ज़रा सा पानी, बिल्कुल ज़रा सा, और ग्राइंड कर देंगे इसे। हमारा पेस्ट रेडी है। एक डीप बर्तन या कढ़ाई में मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अराउंड 1.5 टेबलस्पून लिया है मैंने। इस रेसिपी का जो फ्लेवर है वो मस्टर्ड ऑयल से ही आता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद, तो आप अपना रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि जो कच्ची स्मेल है मस्टर्ड ऑयल की वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम फिश ऐड कर लेंगे। आप अपने बर्तन में फिश को ओवरक्राउड ना करें। अगर जगह कम है तो आप बची हुई फिश दूसरे राउंड में फ्राई कर लीजिए, जैसे कि मैं भी करने वाली हूँ। इसे हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है साइड चेंज करते हुए। हमारी फिश पे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है जैसा हमें चाहिए था, इसे हम निकाल लेंगे। और बाकी के फिश को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिश हमने फ्राई करके रख ली है और उसी ऑयल में मैं ऐड करूंगी कुछ साबुत मसाले। एक स्टिक है दालचीनी की, काफ़ी छोटी स्टिक ली है मैंने। एक तेज पत्ता है, 4 हरी इलायची है, 5 से 6 है लौंग, और 1 चम्मच है शाही जीरा। अगर ये ना हो तो आप सादा जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे 1 मिनट तक सॉटे करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हमारा जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो। साथ ही मैं ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल सरफेस पे नहीं आ जाता। अब देखेंगे कि तेल सरफेस पे आने लगा है, इस पॉइंट में इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किनारों से जो तेल है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट, वो है कर्ड। 1 कप कर्ड लिया है जिसको मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे इसे। इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारा ऑयल सरफेस पे आ चुका है और दही को भी पकाते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे हमारी फिश। इसे एक बार हल्के से मिक्स करने के बाद आप सॉल्ट चेक करेंगे। अभी तक सॉल्ट इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि जो फिश का मैरिनेशन था उसमें हमने सॉल्ट डाला था। तो एक बार अब जब ये फिश इसमें मिक्स हो जाएगी तो आप चखेंगे इसे और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे। मुझे लग रहा है सॉल्ट थोड़ा सा कम, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और कुछ हरा धनिया। एक बार बिल्कुल हल्के से इसे करेंगे मिक्स।
और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे ताकि जो हमारा फिश है उसमें भी ये मसाला जो पूरी तरह से पकड़ ले। फिश को मसाले में पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, ये लूक वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने इसमें 3/4 ग्लास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी राइट कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप पतली ग्रेवी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए, या आपको थिक चाहिए तो 3/4 ग्लास से थोड़ा कम ऐड करिएगा। इसे बॉईल आने देंगे और एक बार जब ये बॉईल आ जाएगा तो इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा कर्ड फिश, इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।